जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ ग्राफ्स, स्पेसिफिकली द कर्व ग्राफ्स। हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में क्लास में पढ़ चुके हैं पूरा चैप्टर, बट ये थोड़ी रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा पास्ट पेपर्स के रेलेवेंट, कि क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हम लोग करते हैं। ओके जी, नंबर फर्स्ट पॉइंट इज़ टेबल एंड प्लॉटिंग। फर्स्ट के लिए बेसिकली जब भी ग्राफ का आपके पास क्वेश्चन आएगा तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू फिल अप द टेबल्स। वो फिल अप द टेबल द वेरी फर्स्ट स्किल, एंड फॉर दैट यू मस्ट नो द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर। दैट्स इट। जो भी कोई एक्सपोनेंशियल ग्राफ है या क्यूबिक ग्राफ है, एनी ग्राफ, द फर्स्ट पार्ट इज फिल अप द टेबल। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ ऑफ 3 marks, 2 marks, 4 marks, तो दीज आर लाइक फ्री मार्क्स फॉर यू। You just need to use, you just need to put all of the values in the calculator and you will get the required value of y. ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं ज़रा। यहाँ पे मैंने फिलअप किया हुआ है, बट आई विल शो यू हाउ आई विल यूज़ द कैलकुलेटर, किस तरीके से होता है। देखें, अब यहाँ पे उसने एक इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 12 ओवर एक्स। सो उसका जो टेबल बना हुआ है इसी वैल्यूज़ का, we are having respective x values and some of the y values were missing, like this one jisko maine circle kiya hua hai and this one ye maine khud likhi hai yahan par. Ab ye find out kaise honge. See, the question is of 2 mark and the first part is complete the table of values, to humne y ki value nikalni hai. Acha, pehli baat ye ki aapko graph mein question is tarike se bhi aa sakte hain, the second notation wo fx ki bhi use kar sakta hai, to don't confuse yourself. ये मैं अभी आपको पूरी इक्वेशन लिख के बताता हूँ, प्लस 12 ओवर एक्स। बोथ ऑफ दीज थिंग्स दे आर हैविंग द सेम मीनिंग। ठीक है, वाई को हम एफ एक्स भी कह सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स। हमने पीछे फंक्शंस में ये पढ़ा था कि वाई और एफ एक्स में कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ही यूज द नोटेशन एफ एक्स, इन मोस्ट ऑफ द नोटेशन ही यूज द नोटेशन वाई। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर कन्फ्यूज ना, और इवन अगर एफ एक्स है तो वाई की जगह यहाँ पर एफ एक्स लिखा हुआ होगा। वेल एनी वेज, हाउ टू फिल अप द टेबल्स, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे कैलकुलेटर निकाल के, जरा एक मिनट, लेट मी हैव द कैलकुलेटर। या सो आई होप द कैलकुलेटर इज विजिबल एंड इट मस्ट बी हैविंग दिस वन बाय द लेटेस्ट मॉडल। ठीक है, ताकि ईजीली कैलकुलेट हो सके हमसे वैल्यूज। जी, द फर्स्ट इज माइनस 2। देखिए, माइनस 2x की वैल्यू और उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू y की निकालनी है मैंने। थोड़ा सा ये जूम हो जाए तो चीज़ें ज़रा विजिबल होंगी। ये इस माइनस 2 की बात कर रहा हूँ। आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ x नेगेटिव 2 बट द वैल्यू ऑफ y इज़ मिसिंग। तो मैंने जहाँ पर भी इस इक्वेशन में x नज़र आ रहा है, आई नीड टू सब्सिट्यूट द वैल्यू नेगेटिव 2। द फर्स्ट वन इज x स्क्वायर, सो आई यूज द ब्रैकेट नेगेटिव 2 होल स्क्वायर। ठीक है जी, then I'll go with plus, now 12 over x, so I'll go with this sign, 12 over x is definitely negative 2, so I will substitute negative 2, and then I am having, sorry, ye minus 2x aana chahiye pehle, ek minute, minus 2x, x is negative 2. ठीक है जी, सो नेगेटिव 2 स्क्वायर नेगेटिव 2 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, तो वो नेगेटिव 2 है। ठीक है, सो व्हेन आई पुट दिस इक्वल्स टू साइन आई गेट द आंसर 2। सो मैंने सिर्फ यहाँ पर आंसर 2 लिख दिया। ठीक है, दिस इज़ माय आंसर। सेम इज़ द केस विथ 3, जहाँ जहाँ माइनस 2 लिखा हुआ है वहाँ मैं 3 सब्सिट्यूट कर देता हूँ, तो आई गेट द वैल्यूज। यहाँ पर 3 आ जाएगा, देन नेक्स्ट में भी हमारे पास 3 आ जाएगा, एंड नेक्स्ट में भी हमारे पास 3 आ जाएगा, तो द आंसर इज 7। ओके, सो दिस इज़ हाउ आई कैलकुलेटेड ऑल ऑफ द स्टफ। तो ये तरीका कार है टेबल की फिलिंग का। जिस मर्जी तरीके से आपके पास इक्वेशन हो, यू हैव टू यूज़ दिस मेथड। ओके, सो ये भी टेंशन फला थी, हम करते हैं। अच्छा, नाउ कंप्लीटिंग ऑफ टेबल इज़ डन। द सेकेंड स्किल इज़ प्लॉटिंग। प्लॉटिंग तो आपको ना इट्स लाइक वेरी ऑब्वियस टू यू हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स। मीन्स ये एक पॉइंट है पूरा,
negative 4 and 21, it means x negative 4 and y 21 पे एक पॉइंट लगेगा लाइक दिस, ये एक पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे. तो मैंने ग्राफिंग जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ किया, बट इन द एग्जाम्स यू आर हैविंग अ पर्टिकुलर ग्रिड, उस हिसाब से आप लोगों ने करना है कि कहाँ माइनस 4 एंड 21 कहाँ पर लाइक करें. अब यहाँ पर 21 गिवन नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर बहुत ईजी ब्लॉक्स आपके सामने होते हैं तो आप लोग कर सकते हो. द नेक्स्ट पॉइंट इज नेगेटिव 3 एंड 11. नेगेटिव 3 मीन्स नेगेटिव 3 ऑफ एक्स एंड 11 ऑफ वाई. तो 11 यहाँ पे पॉइंट मैंने लगा दिया. सो लाइक दिस आई नीड टू प्लॉट ऑल ऑफ द पॉइंट्स. ठीक है, नाउ देयर इज़ अ शेडेड रीजन इन बिटवीन. ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन ये बताता है दैट दिस कर्व जो शेडेड रीजन से लेफ्ट साइड पे है एंड दिस कर्व, ये ब्रेक हो रहा है यहाँ पे ग्राफ. यहाँ से और यहाँ का कोई ताल्लुक नहीं है ग्राफ के साथ. ये जो साइड है सारी, इसकी एक अलग कर्व बनेगी एंड दिस साइड विल हैव अनदर सेपरेट कर्व. ठीक है, तो एक ही ग्रिड पे हमारे पास दो कर्व्स बनेंगी. गॉट इट? जितने भी ये पॉइंट्स हैं मैंने अलग पॉइंट करने प्लॉट करने एंड ये वाले अलग प्लॉट करने, और मेरे पास उस तरीके से ग्रिड में जो है वो तरीक़ेकार हैं. देखें, और चलो मैं अभी आपको बताता हूँ. सी, जो लेफ्ट साइड वाली कर्व थी उसको मैंने, जितने भी पॉइंट्स थे जो ये वाले हैं उसको मैंने प्लॉट किया, तो आई गॉट दीज वैल्यूज. देखें, अब ये कलेदा कर्व बन रही है. ठीक है, अब इस कर्व को मैंने इस पॉइंट के साथ नहीं जोड़ना जो मेरा लास्ट पॉइंट है और मैं कहूँ जी मैं इसके साथ जोड़ दूँ. नो, ये एक अलहदा कर्व है क्योंकि यहाँ ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है बीच में. ठीक है, एंड द सेकेंड कर्व जो आगे वाले सारे मार्क्स हैं उसके ये हमारे पास प्लॉटिंग आ रही है. तो दो कर्व्स यहाँ पर बनेंगी सेपरेटली. करेक्ट, तो इसको कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट. अच्छा, ब्रेकिंग पॉइंट का एक और भी वजह होती है कि जो यहाँ पर वैल्यूज़ होती हैं, मींस इस वैल्यू की प्लॉटिंग के बाद ग्राफ को आपने एक्सटेंड कर देना है. ठीक है, जिस पोजीशन से वो जा रहा होगा आपने उसी के पोजीशन में नीचे एक्सटेंड कर देना है. सिमिलरली जब आप इस पॉइंट पर आएंगे तब भी आपने एक्सटेंड कर लेना है. मतलब देखें, अब मैं ग्राफ को अगर जोड़ रहा हूँ साथ, अगर ग्राफ कर्वी सा है तो आपने प्रॉपर कर्व दिखानी है. ठीक है, इट्स नॉट बी पॉइंटेड और यू विल नॉट यूज़ द द स्केल एंड द पेंसिल और उसको पॉइंट बाई पॉइंट ज्वाइन करेंगे. नहीं, पॉइंटेड सरफेस नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर कर्वी टाइप हमारे पास बनना चाहिए. अच्छा, ये पॉइंट सारे मैंने जोड़ दिए. अब ये लास्ट पॉइंट था तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट नेगेटिव समथिंग ये वाला था, नेगेटिव 0.5 एंड 22.75. इसके बाद ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, इट मीन्स कि मैंने अपने ग्राफ को एक्सटेंड कर देना है. जितना भी ग्रेड होगा उसी लेवल पे मैंने ग्राफ को एक्सटेंड कर देना. ठीक है, ग्रेड तो वैसे थोड़ा सा ही रहेगा बट आपने जो भी पीछे से कर्वी चीज़ आ रही है जिस तरीके से आ रही है नीचे, उतना ही ग्रेड को पूरा मुकम्मल कर लेना. करेक्ट, तो दो चीज़ें हैं इस ब्रेकिंग पॉइंट पे. एक तो ये है कि दिस शेडेड रीजन विल डिफाइन कि यहाँ पर ग्राफ ब्रेक होगा, एंड द सेकेंड थिंग विल डिफाइन कि यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा ग्राफ इस पॉइंट पर आकर. ठीक है, ये जो इसके सात पॉइंट्स है 0.5 माइनस 22.5 तो एक्सटेंड हो जाएगा पूरा. तो दो चीज़ें इस चीज़ ये डिफाइन करती है. सेम इज़ द केस विद द नेक्स्ट वन. अगर मैं पॉइंट को यहाँ से जोड़ूँ, देखिए कर्व, प्रॉपर कर्व बनाकर, अब जो ये ब्लैक पॉइंट है, दिस पॉइंट इज़ बेसिकली दिस हैविंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 0.5 एंड 23.25. अब ये मेरे पास के बाद ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, मैंने इसको प्रॉपर इसी तरीके से एक्सटेंड कर देना है अपने फ्री हैंड से. ठीक है, तो यहाँ कोई एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं चाहिए, बस उसी तरीके से मैं इसे एक्सटेंड कर दूँगा. गॉट इट? सो द ग्राफ विल स्टार्ट विद दिस वन. यहाँ से एक्सटेंशन नहीं देनी, इसे इस पॉइंट से एक्सटेंशन नहीं देनी. पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंट के जो करीब होगा वहाँ से एक्सटेंशन देनी है. तो आई होप द थिंग्स आर क्लियर. जो ग्रेश पार्ट है दैट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, जो शेडेड पार्ट है. पहली चीज़ वो हमें ब्रेकिंग का बताता है एंड द सेकंड थिंग इज एक्सटेंड का बताता है कि एक्सटेंड कर दें आप ग्राफ पूरा इन पॉइंट्स पर आके. ठीक है जी, सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. अगर इस तरह के कोई शेडेड रीजन बीच में आ जाता है तो डोंट कन्फ्यूज योरसेल्फ. मैंने आपको बता दिया दो चीज़ें, यू मस्ट हैव टू नोट डाउन कि यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से हम लोग करते हैं. ओके, इफ यू आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम सो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. मैं ये आपको बता रहा हूँ पूरा ग्राफ का. आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं आपको. ओके जी, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टेंजेंट्स. टेंजेंट्स हम लोगों ने जब हम सर्कल्स पढ़ रहे थे तो हमने बड़ा ही डिटेल में टेंजेंट को पढ़ा था और उसके रूल्स को. टेंजेंट वैसे होता क्या है जी? बेसिकली इट्स अ लाइन जो किसी भी कर्व्ड सर्फेस को एक
पॉइंट पे टच करती हुई जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई ड्रॉ अ पॉइंट हेयर, और एक लाइन ऐसी है कि इसने इस पॉइंट को बस हल्का सा टच करके सिर्फ एक पॉइंट को टच करके वो निकल जाएगी. डेफिनेटली आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं इतना कोई कंप्यूटर वाला तो नहीं सिलसिला कि मैं प्रॉपरली इसको टच करवा के सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके जाऊँ. बट द कॉन्सेप्ट इज क्वाइट विजिबल हियर दैट इट इज़ अ लाइन विच एक्चुअली टचेज द कर्व एट ओनली वन पॉइंट, पर एक्सटर्नली टच करेगी. ठीक है जी, एक्सटर्नली यहाँ पर टचिंग होगी. अब यहाँ पर देखें, वी आर हैविंग अ प्रॉपर कर्व. ठीक है, तो ये देखें टेंजेंट लाइन उन्होंने डिफाइन की हुई है. सो बेसिकली इट्स अ लाइन विच इज टचिंग द कर्व एट ओनली वन पॉइंट. ठीक है जी, एक पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है. इसको हम कहते हैं टेंजेंट लाइन. सेम इज द केस हियर. ये देखें यहाँ पर कर्व पे एक पॉइंट था और उसको टच करती हुई जा रही है. दैट्स इट. ठीक है, तो ये टेंजेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है. अब एग्जाम्स में ग्राफ वाले क्वेश्चंस में टेंजेंट किस तरीके से आता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उसके साथ कौन से क्वेश्चन अटैच होते हैं, उसको ज़रा हम लोग देखते हैं. ओके जी, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. द टेबल शोज वन सम वैल्यूज फॉर वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स. द फर्स्ट पार्ट वॉज कम्प्लीट द टेबल. मैंने अब डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है. आई होप मेरी वैल्यूज ठीक आई हूँ कॉज आई वॉज इन हरी. तो ये हमारी एक अननोन वैल्यू थी नेगेटिव वन. जब मैंने सब्सटीट्यूट की तो आई गॉट द वैल्यू फाइव. वन अगर सब्सटीट्यूट की तो आई गॉट द वैल्यू नेगेटिव थ्री. एंड द थर्ड वन वॉज थ्री के नीचे अननोन था. तो ये कम्प्लीट द टेबल, आई कम्प्लीटेड इट माई सेल्फ. तो ये भी मैंने आपको बता दिया क्या करना. अब पार्ट डी पर आएंगे. वो डी में क्या कह रहे हैं. ही सेइंग बाय ड्रॉइंग अ सूटेबल टेंजेंट. Now I know the concept of tangent. Find an estimate. Estimate यहाँ पर उसने बोल दिया क्योंकि यहाँ पर हम लोग we cannot actually give the exact value. We will estimate the value. ठीक है, तो estimation का ये मतलब है कि अब वो value vary भी कर सकती है. For example, I got the answer 2. Some of you got the answer 2.4. Some of you got the answer 2.6. Some of you got the answer 1.8. So all of these answers are correct. और इट एस्टिमेशन का यही मतलब है कि वो आपको पूरा लेवरेज देगा कि आपका आंसर 2 से लेकर या 1.8 से लेकर 6 तक लाए कर सकता है. ठीक है जी, जो आपका आंसर है 1.8 से लेकर 6 तक लाए कर सकता है, जो भी आंसर आएगा. तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल. सो एस्टिमेट का ये मतलब है. ओके, हम लोग ज़रा चलते हैं आगे. अच्छा, now he's saying that by drawing a suitable tangent find an estimate of the gradient of the curve. now gradient ka bhi hame concept aana chahiye. we all know very well that gradient is represented by m and basically it is having three formulas jisme jo sabse basic formula hum log use karte hain that is rise over run. theek hai, to gradient ka hame ye pata hona chahiye ki ye proper line ke sath associate hota hai. jab we are having a proper straight line to wo gradient ek constant hame milta hai. और डिफ्रेंसिएशन में भी हम लोगों ने कर्व के ग्रेडियंट्स देखे थे एट डिफरेंट पॉइंट्स. तो ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए. ओके जी, वी नीड टू एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट एक्स इज इक्वल्स टू 2. उसने एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर कहा जी टेंजेंट बनाएं और फिर उसके बाद मुझे ग्रेडियंट की वैल्यू बताते हैं. बट दैट्स इट. ठीक है, अब हम चलते हैं ज़रा ग्राफ किस तरह बनेगा. आई प्लॉटेड द पॉइंट्स, मैंने सॉफ्टवेयर पे कर दिया. आई एम जस्ट ट्राइंग के मैं प्रॉपर एक स्मूथ कर्व लेकर आ जाऊँ इसमें, क्योंकि यूजिंग द राइटिंग पैड वो इतना ज़्यादा. सो आई एम जस्ट जॉइनिंग ऑल ऑफ द पॉइंट्स. मुझे ये ब्लैक पॉइंट वैसे गलत लग रहा है. एनी वेज, हमें जनरल आइडिया लेंगे. सो दिस इज माई ग्राफ. ओके, यू विल गेट अ सेम ग्रेड पेपर. आपने प्लॉटिंग करनी है. प्लॉटिंग के भी अलग पॉइंट्स होते हैं जो सेकेंड क्वेश्चन आता है. प्लॉटिंग मे बी इफ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ दीज पॉइंट्स तो 6 या 7 मार्क्स या 5 मार्क्स की प्लॉटिंग वो दे देता है कि आपकी प्लॉटिंग बिल्कुल ठीक है प्लस ऑल ऑफ द कर्व्स आर गुड. तो ये भी चीज़ें काउंट की जाती हैं. ओके जी, आई ड्रॉ अ होल कर्व हियर. इट्स अ क्यूबिक ग्राफ. अब किस पॉइंट पर टेंजेंट लेना है जी. एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर. ठीक है, सो मैंने x इज इक्वल्स टू 2 कर्व पे देखना है कहाँ पे लाई करना है. दिस इज लाइक x इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, कर्व के ऊपर x 2 ये है ना. तो यहाँ कर्व पे कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर.
ना आई नीड टू ड्रॉ अ प्रॉपर स्ट्रेट लाइन, जो टेंजेंट लाइन है इसी पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हुई जाए. सो इन द एग्जाम्स यू आर हैविंग अ प्रॉपर स्केल. अब मेरे पास यहाँ पे इस पे पावर पॉइंट पे स्केल तो है नहीं, ठहरे आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मेरी लाइन जो है वो स्ट्रेट लग जाए. इसमें इस तरीके से लेकर जानी है, एक कर्व हमने जोड़ दी. ओके, सो आई नीड टू ड्रॉ अ टेंजेंट हियर. टेंजेंट आपने पूरी कोशिश करनी है कि सिर्फ इस तरीके से ड्रॉ करें कि पॉइंट को सिर्फ टच करती हुई जाए. तो आई होप दैट आई कैन इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस थिंग. अब वो मिलियन ऑफ पॉइंट्स को यहाँ टच करती हुई जा रही है, बट जस्ट कंसिडर. यहाँ पर आप लोग पूरी कोशिश आपने ये करनी है कि सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हुई जाए. थोड़ा सा आपका ये डायगनल हुआ तो आपका ग्रेडियंट में फ़र्क आ जाएगा. ठीक है जी, ये मेरे पास प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन लग गई है जो टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रही है. मैंने इसे काफ़ी डार्क कर दिए बिकॉज मेरे पास स्केल नहीं है यहाँ पे. जो मैं स्केल भी होता भी तो डेफिनेटली इतनी एक्यूरेसी नहीं आती बिकॉज आई एम डूइंग ऑन दिस कंप्यूटर. अच्छा, नाउ द होल टेंजेंट इज ड्रॉन. अब यहाँ से इस पूरी लाइन का मैंने ग्रेडियंट लेना. ठीक है जी, आई नीड टू टेक द ग्रेडियंट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन एंड आई नो द लाइन इज गोइंग अपवर्ड्स. ठीक है, हमेशा लेफ्ट से लाइन एनालिसिस होते हैं लाइन के. द लाइन इज गोइंग अपवर्ड्स, तो ग्रेडियंट क्या होगा? पॉजिटिव. नाउ हाउ आई विल फाइंड द ग्रेडियंट? आई नीड टू टेक एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन जो मेरे लिए ईजी हों. फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक लाइक ये 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, सो आई कैन टेक दिस पॉइंट. एक ये वाला पॉइंट लाइन के ऊपर ले सकता हूँ एंड द सेकेंड विल बी जहाँ पर पूरी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही हो. आई होप ये वाला ठीक रहेगा जो 2 वाला है. सो आई एम टेकिंग 2 पॉइंट्स, दिस वन एंड दिस वन, और ये होगा 1, 2. ठीक है, ये 2 पे लाइक है. सो एक पॉइंट ये है एंड दिस द अदर पॉइंट इज दिस वन. अब यहाँ पे मैंने राइज ओवर रन देखना है कि ये पॉइंट कितना ट्रांसफॉर्म हुआ है. सबसे पहले ये पॉइंट गया कितने यूनिट्स राइट, दैट इज ऑलमोस्ट 0.2 आई थिंक. सो 1, 2, 3, नो इट्स 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1. तो हर जो पॉइंट है वो 0.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो माई रन वुड बी 0.4. ठीक है, यहाँ तक पहुँचाया मैं पॉइंट को लेकर. अब आई नीड टू गो अप, तो माई राइज विल बी हाउ मच? 1, 2, 3, 4 आई थिंक. सो 1, 2, 3, 4. ठीक है जी, आई टुक 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन एंड आई जस्ट सी के मेरा रन कितना आ रहा है, दैट इज 0.4 एंड माई राइज इज 4. ओके, एंड ग्रेडियंट पॉजिटिव में है तो आई नो द फॉर्मूला, दैट इज राइज ओवर रन. तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर राइज इज 4 एंड रन इज 0.4. सो आई गेट द वैल्यू जो भी इसके बाद कैलकुलेटर से होके आती है, 4 ओवर 0.4. आई डोंट नो द वैल्यू, जो भी इसकी वैल्यू आएगी दैट विल बी योर ग्रेडियंट. ओके, और एस्टिमेटेड ग्रेडियंट होगा आपका इसका. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट. ये सारी वर्किंग आपने यहाँ पे करनी है, 4 ओवर राइज इज 4 ओवर 0.4, ये आपने बता देना एंड देन यू विल गेट अ प्रॉपर आंसर. इसका जो भी आंसर आएगा 40 ओवर 4 होगा मेरे ख्याल से. यहाँ पे 10 आके तो ये कैंसिल हो जाएगा. 40 ओवर 4 इज आई थिंक सो 10, या होपफुली. ठीक है, सो 10 इज माई ग्रेडियंट. यार आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं या सिर्फ मैं अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर? एनीवन? सर आ रहे हैं. ओके, सो इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन यू कैन स्टॉप मी देयर बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ अ ग्राफी थिंग एंड बहुत मुश्किल होता है कंप्यूटर पे इस तरह बता देना. बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि हर कॉन्सेप्ट आपको समझ आए. ठीक है, तो 3 से 4 कॉन्सेप्ट अभी तक हम पढ़ चुके हैं, ग्रेडियंट का, फिलिंग अप द टेबल्स, प्लॉटिंग द पॉइंट्स, और ये जो हमारा एस्टिमेशन ऑफ ग्रेडियंट जो है टेंजेंट बनाकर ग्रेडियंट लगाना. ठीक है, ओके जी, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ समटाइम्स यू आर हैविंग क्वेश्चन इन दिस, ही सेड 2 टेंजेंट्स टू द ग्राफ, जो भी हमारे पास ग्राफ ऊपर बना हुआ है, कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ओके, वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स ऑन दिस ग्राफ, ये ग्राफ जो भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वो वाला ग्राफ नहीं है, और ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं दैट
the tangent will be parallel to x-axis. Write down the equations of each tangent. अच्छा इक्वेशंस आपको मैंने अभी हम लोग इनइक्वालिटी भी पढ़ रहे थे. अगर डेफिनेटली एक्स एक्सिस इस तरीके से होता है तो दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन. मेरे जो टेंजेंट भी बनेंगे वो इसी लाइन पे बनेंगे कॉज आई नीड टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन. तो इस लाइन की इक्वेशन किस तरीके से हम लोग निकालते हैं? एनीवन? हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? नो आइडिया. Y is equals to something, na? Y is equals to something. This will be your equation of the horizontal line. So, ye prerequisite knowledge hai jo aapke paas hona chahiye. Okay, now two tangents to the graph. This one can be drawn parallel to x-axis. Write down the equation of each of these tangents. So, I actually draw the plot all of the points. Main isko zara join kar leta hun. Pehle, jaldi se. Whoa. ठीक है जी. सो इट्स अ वेरी बैड ग्राफ, स्पेसिफिकली बैड प्लॉटिंग मैं यही कहूँगा जो मैंने कर्व्स वगैरह जोड़ी हैं. बिकॉज अभी इतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं हो सकती. यू मस्ट हैव अ प्रॉपर स्मूथ कर्व है यहाँ पर. जितनी स्मूथ कर्व ला सकते हैं यहाँ पर, जितनी स्मूथ कर्व ला सकते हैं यू कैन, यू मस्ट हैव. प्लस ये वाई एक्सेस को भी मैंने बहुत बड़ा किया हुआ है. अगर जितना भी ये अभी मैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वन रखता सॉफ्टवेयर में तो इट विल बी मोर विजिबल. एनी वेज, नाउ टू टेंजेंट्स, आई कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स विच आर लाइक पैरेलल टू एक्स एक्सेस. एक्स एक्सेस ये है. एनी वन हु कैन हेल्प मी आउट कि कहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ करूँगा दो जो पैरेलल टू एक्स एक्सेस होंगी? जी कोई बता सकता है कहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ करूँ पैरेलल टू एक्स एक्सेस के लिए? आंसर द नेगेटिव, बिलो द नेगेटिव टू. बिलो द नेगेटिव टू? वेयर इज बिलो द, बिलो द नेगेटिव टू वेयर इज? वाई, y is equal to negative 2 no? इसके नीचे वाले जो साथ this is not negative 2 Sumaiya, this is positive 2. तुमने मुझे डरा दिया. मैंने कहा पता नहीं negative 2 के नीचे क्या चीज है यहाँ पर. anyways, okay, yes, below the 2 we are having a green point here. अब मैंने टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करनी है कि ग्रीन पॉइंट को सिर्फ टच करता हुआ जाए. तो मुझे पता है ग्रीन पॉइंट जो है वो लाए कर रहा है बिल्कुल इस पॉइंट पर. मैंने स्केल लिया और यहाँ से लाइन स्ट्रेट बनाना स्टार्ट की. वो इसी पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा और ये आगे जाकर स्ट्रेट लाइन चली जाएगी. नाउ दिस इज बेसिकली अ टेंजेंट बिकॉज इट इज टचिंग द कर्व एट वन पॉइंट एंड दिस टेंजेंट इज ऑल्सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है जी, आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर. दूसरा टेंजेंट कहाँ बनेगा जी? एनीवन? विच मस्ट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. कहाँ पर? एक्स टू पे. यस सी देखें दिस ब्लू पॉइंट, ये भी नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा लाइन से ये ऊपर है. तो यहाँ से मुझे स्केल रख के सिर्फ इस पॉइंट को टच करना है और आई विल गो स्ट्रेट. ठीक है जी, अब यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज देनी पड़ेंगी. आई नो माई दिस ग्रीनिश पॉइंट, ये ग्रीनिश पॉइंट x जीरो पे बना हुआ है. तो मैंने अपनी टेबल पे देखना है कि x जीरो मेरे पास ये है तो मींस y क्या है? वन. तो जो पहला टेंजेंट मैंने बनाया आई विल राइट द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू वन. गॉट इट? y वन पर ये ग्रीनिश पॉइंट प्लॉट हुआ हुआ है एंड आई नीड टू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस पॉइंट, दिस लाइन. तो दैट इज y इज इक्वल्स टू वन. द नेक्स्ट लाइन इज जो टू के साथ है, x टू के साथ. सो एक्स टू के साथ क्या है जी मेरे पास? माइनस 0.33. टू नहीं, नेगेटिव टू, सॉरी. वेर इज नेगेटिव टू? वी आर नॉट हैविंग नेगेटिव टू हियर. नो, इट्स टू, पॉजिटिव टू है जी, बिल्कुल. तो वी आर हैविंग माइनस 0.33. तो क्या बनेगी जी इक्वेशन यहाँ पर? माइनस 0.33 वाई इज इक्वल्स टू माइनस 0.33. ठीक है, विद द नेगेटिव. सो दिस कुड बी एग्जैक्ट. और एग्जैक्ट कहाँ से ये मुझे एग्जैक्ट इक्वेशंस मिलेंगी? बाय माय टेबल्स. ठीक है, इसको एस्टिमेशन पे हमने नहीं रखना, हमने टेबल्स में वैल्यू देखनी है. बिकॉज मुझे पता है पहला टेंजेंट बना है वाई जीरो पर, एक्स जीरो पर. देखें यहाँ पर बना है पहला टेंजेंट, एक्स जीरो पर जाके यहाँ पर इसने टच किया है.
तो आई नीड टू चेक एक्स जीरो पे वाई की वैल्यू क्या होगी. तो आई नो दैट इट इज़ वन, सो आई राइट वाई इज इक्वल्स टू वन. सेकेंड इज एक्स टू पे बन रहा है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव 0.33. ठीक है जी. सो इस तरह के भी टेंजेंट्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर विद ऑल ऑफ द टेंजेंट्स कॉन्सेप्ट. मैंने बाकी मैक्सिमम पेपर्स चेक किए हैं, उसमें कोई इतना खास नहीं है. एस्टिमेशन जो ग्रेडियंट के एस्टिमेशन वाला है, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी के आ रहे हैं, एस्टिमेट द ग्रेडियंट बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट, तो वही आपने करना है. तो उसके लिए आप लोगों ने बहुत मतलब विजिलेंट रहना है कि हम लोगों की कर्व बिल्कुल स्मूथ बने और प्रॉपर पॉइंट को टच, जितना भी आप लोग कोशिश कर सकते हैं प्रॉपर एक पॉइंट को टच करती भी जाए. ठीक है, बाकी पीछे जो आंसर्स हैं दैट इज़ लाइक क्वाइट, उनकी रेंज काफ़ी बड़ी है, वो आप इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि कोई किसी का वन आ रहा है तो किसी का 1.5 आ रहा है. ऑल ऑफ द आंसर्स आर एक्सेप्टेबल. ठीक है जी. ओके जी, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. By drawing a suitable tangent, find an estimate of the gradient of the graph at point 1, 1. अब वो पॉइंट दे रहा है तो इसमें भी आप लोगों ने कन्फ्यूज नहीं होना. 1, 11, 1, 11, इसमें बेसिकली दिस इज़ अ प्रॉपर पॉइंट, तो उस पॉइंट को आपने पहले प्लॉट करना है. ठहरिए एक मिनट, रुके हैं. ये 1, 11 हमारा बनेगा इस साइड पर, तो मैं ज़रा ये यहाँ से ग्राफ एक्सटेंड हो जाएगा, एसिम्प्टोट बनेगा. अच्छा, एट पॉइंट 1, 11 इज दिस पॉइंट. देखें यहाँ प्लॉट भी हुआ हुआ है, तो यहाँ पर ग्रेडियंट मैंने बनाना है. तो डेफिनेटली, सॉरी ग्रेडियंट कह रहा हूँ, टेंजेंट. तो आई विल ड्रॉ अ लाइन ये जो से टच करती हुई जाएगी स्ट्रेट, एंड देन आई विल एस्टिमेट द ग्रेडियंट. कोई भी पॉइंट ले लूँगा लाइन के ऊपर, उसका एक्स और ये देखना है कि कहाँ पर है, कितना राइज और कितना रन है. कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ, लाइक दिस पॉइंट एंड ये वाला भी पॉइंट है, तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर बना लेते हैं. सो दिस विल बी माई रन एंड दिस विल बी माई राइज, एंड सी द लाइन इज गोइंग डाउनवर्ड्स, सो ग्रेडियंट क्या होगा, नेगेटिव में. ठीक है, तो अगर वो पॉइंट भी आपको दे रहा है, प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स दे रहा है पॉइंट के, तो डोंट कन्फ्यूज योर सेल्फ कि यहाँ पर क्या होगा. आप कोऑर्डिनेट जो भी आपका बन रहा है वहाँ पर टेंजेंट लगा लें, एंड यू कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट. ठीक है जी. सो आई होप ग्रेडियंट एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग ग्रेडियंट, सो यू कैन आस्क द क्वेश्चन. माई गॉड, इट्स वेरी डिफिकल्ट. एनी वेज, आई मीन डिफिकल्ट टू टीच मैथ्स दिस ग्राफ, सॉरी. ओके जी, नाउ वी आर हैविंग अ डिफरेंट अदर जो इक्वेजन ऑफ द लाइन्स के होते हैं, कि डिफरेंट इक्वेजन्स आ जाती हैं, उसका हम लोगों ने करना है. द टेबल शोज सम वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दिस इज अ प्रॉपर ग्राफ इक्वेजन. यहाँ पर सबसे पहले था कंप्लीट द टेबल, सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं जितना भी ठीक आंसर्स ला सका हूँ मैं ले आया हूँ, बट मुझे अभी भी कंफर्म नहीं है कि मैं ठीक लाया हूँ कि नहीं लाया. एनीवेज, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ के. देयर इज अ डी पार्ट, ही सेइंग फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेजन इज इक्वल्स टू के हैज टू सॉल्यूशंस. ये हमें उसने ग्राफ की रेंजेस दी हुई है कि कहाँ से कहाँ तक, मतलब ग्राफ ये वाला भी इंक्लूडेड होगा डेफिनेटली, इसकी सेपरेट कर्व है और ये भी सेपरेट कर्व है. अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने y की वो वैल्यू यहाँ पर बतानी है जो पॉजिटिव हो. पहली बात देखें, इट्स लाइक पॉजिटिव हो, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव हो, सबसे छोटी वैल्यू हो पॉजिटिव की. एंड द थर्ड क्या लिमिट दी हुई है? इंटीजर. इंटीजर का मतलब यह है कि डेसिमल्स और फ्रैक्शन से जान छुट के. तीन कंडीशन, पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट एंड इंटीजर. वाई की वो वैल्यू, देखिए के किस की जगह लिखा हुआ है यहाँ पर, वाई की जगह. तो आई नीड टू चेक दैट वैल्यू ऑफ वाई विच इज़ हैविंग दीज थ्री क्वालिटीज, और वो वाला मैंने यहाँ पर लिखना है कि के की क्या वैल्यू हो सकती है, या के में अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं. और दूसरी बात, टू सॉल्यूशंस भी हों, ये भी एक साथ आ गए, कि ऐसी वैल्यू हो जहाँ पर दो सॉल्यूशन पॉसिबल हो रहे हों एक्स के. ओके जी, ये चार पॉइंट्स जरा आप जहन में रखना, मैं आगे कर्व बनाता हूँ. ठीक है जी, ये एक्सटेंडेबल है, कॉज एसिम्प्टोट बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी एसिम्प्टोट बनेगा, तो ये भी एक्सटेंडेबल होगी.
okay. So it's a kind of a very bad plotting, but okay जी, now I'm having the two curves here, cause मेरा graph break हो रहा था और extend भी कर दिया मैंने उसे. अच्छा, अब I need to find the smallest integer value of y, जो positive भी हो और जहाँ से वो गुजरे वहाँ two solutions बनाए. अब two solutions का क्या मतलब है? For example, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ. मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ. वाई पे लाइंस बनेंगी जी सारी. आई एम ड्राइंग अ लाइन हियर. ये देखें, मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन वाई एक्सिस. इस लाइन के कितने सॉल्यूशंस हैं जी? एनी वन. सॉल्यूशंस का पता किस तरह चलता है हमें? पहली तो ये बात, आई ड्रॉ अ प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लाइन. हाउ मेनी सॉल्यूशन दिस लाइन इज हैविंग? जी एनी आइडिया? थ्री सॉल्यूशंस है ना. देखें, जहां जितनी जगह से ग्राफ को या जितनी जगह से ये लाइन ग्राफ को कट करती हुई जाएगी, उतने हमारे सॉल्यूशंस बनेंगे, उतनी हमारी वैल्यूज ऑफ एक्स जनरेट होंगी. लाइक अब देखें जी जी सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. अगर तीन कैसे करते, चार चार टाइम टच कर रहे हैं ना ग्राफ को. अगेन आवाज नहीं आ रही यार, बहुत मतलब आवाज इस तरह कि समझ नहीं आ सकी. क्या कह रहे हैं आप, जरा आहिस्ता बोलें. सर मैं ये कह रहा था, ये चार टाइम ग्राफ को टच कर रही है ना. चौथा पॉइंट कौन सा है? लास्ट पॉइंट. कौन सा? या द ब्लैक लास्ट पॉइंट. या एग्जैक्टली एग्जैक्टली ब्लैक वन. ये तो अभी जनरल मैं आपको बता रहा हूँ. बिल्कुल, अगर ये लाइन इसी लाइन पे जाती हुई जा रही है और ब्लैक पॉइंट यहाँ टच कर रहा है, तो चार पॉइंट्स बनेंगे, चार सॉल्यूशंस बनेंगे. सिर्फ कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें कि सॉल्यूशंस किस तरह पॉसिबल है. देखें, जितनी कर्व पे जो भी लाइन बना रहा हूँ हॉरिजॉन्टल वाई एक्सिस की, जितना भी मेरे ग्राफ को वो टच करता हुआ जाएगा, जितनी पोजिशन पे, देखें दिस इज़ द फर्स्ट पोजिशन, दिस इज़ द सेकेंड पोजिशन, दिस इज़ द थर्ड पोजिशन एंड दिस इज़ द फोर्थ पोजिशन. अगर ये लाइन इसको टच करती हुई जा रही है, कि मेरे ख्याल से इसे मैग्नीफाई करें तो शायद थोड़ा सा नीचे हो, बट एनी वेज वी आर कंसिडरिंग कि ये लाइन को टच करती हुई जा रही है. नाउ एट फोर प्लेसेस दिस ग्रीन लाइन टचेस द ग्राफ, इट मीन्स इस ग्रीन लाइन के फोर सॉल्यूशंस होंगे. ठीक है जी, सबसे पहले तो ये अपना जहन में रखें कि सॉल्यूशंस किस तरह पॉसिबल होते हैं. अब फॉर एग्जांपल मेरी एक लाइन है जो यहाँ से जा रही है, कितने सॉल्यूशंस हैं जी? एनीवन? टू सॉल्यूशंस. देखें, एक ये वाले टचिंग है और एक ये वाले टचिंग है, सो टू सॉल्यूशंस आर हियर. गॉट इट? तो समझ आ गई बात. अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन ये जा रही है, यहां पर भी दो सॉल्यूशंस बन रहे हैं, एक ये और एक ये. अब हमने करना क्या है, हमें सॉल्यूशंस का पता चल गया है, हमने वो वाली जगह देखनी है जहां टू सॉल्यूशंस पॉसिबल हों. ठीक है, वी नीड टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन इन सच अ वे दैट टू सॉल्यूशंस पॉसिबल हों, स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू हो, इंटीजर वैल्यू. ठीक है जी, और कोई चीज़ तो नहीं थी, टू सॉल्यूशन पॉसिबल हो, स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू और पॉजिटिव में हो. ठीक है जी, मींस वाई के पॉजिटिव में मैंने सारा ढूंढना है और ऐसी लाइन लगानी है हॉरिजॉन्टल जहाँ पर स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू हो. सो हमारा हर ब्लॉक है जी 1, 2, 3, 4, 5, एवरी ब्लॉक इज काउंटिंग लाइक. जी एनीवन जो हेल्प आउट कर सके मुझे इस चीज में. और सर ऑन फाइव नो फाइव नो नो नॉट नो सर वो थ्री सॉल्यूशंस आ जाएंगे. या एंड दूसरी चीज ये है, देखें, फॉर फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू के फॉर व्हिच एक्स हैज टू सॉल्यूशंस फॉर. देखें यहाँ पर दो चीज़ें पॉसिबिलिटी मैं आपको बताता हूँ जो आपके जहन में कन्फ्यूजन जनरेट हो सकती है. एक मिनट, लेट मी रेज दिस थिंग. देखें, अगर मैं जो ये वाली लाइन है, ये जो अभी मैंने रेज की है, मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि बेसिकली द वैल्यू द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वन, जहाँ पर दो सोल्यूशन पॉसिबल है. कैन आई से दिस थिंग जी एनीवन, जो मैंने अभी लाइन बनाई है यहाँ पर? सर
देखें दो जगह से क्रॉस करती हुई जा रही है ओके एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू भी है और पॉजिटिव भी है, मैं क्यों नहीं कह सकता ये बात? रीजन सर, बताएं। क्योंकि पीछे ग्राफ में लिखे दैट इट विल कट फॉर बोथ ना, ऊपर जो मतलब उन्होंने लिखा और इनइक्वालिटी ने दी थी उसके अंदर रेंजेस के अंदर दोनों ग्राफ ने बोला था। स्वयं मुझे तुम्हारी एक बात भी नहीं समझ आई। पता नहीं यार मेरे शायद स्पीकर में मसला है या क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा ज़रा आहिस्ता बोलो। ये हम क्यों नहीं कह सकते? आप ठीक बोल रही थी, जो थोड़ी बहुत मुझे समझ आई है बताएं दोबारा, रीज़न बताएं प्लीज़। यार वी कैन नॉट वेट लाइक। अच्छा एनी वेज, जो जहाँ तक मुझे उसकी बात थोड़ी समझ आई है, वी कैन नॉट से दिस दैट वन इज़ माई आंसर बिकॉज ही सेइंग दैट ग्राफ, जो लाइन मैं बनाऊंगा हॉरिजॉन्टल लाइन, वो दोनों ग्राफ को टच करती हुई जाए, इस कर्व को भी टच करे और इसको भी टच करे। अब इन दिस केस इट इज़ ओनली टचिंग द राइट हैंड साइड कर्व विच इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट। आई नीड टू टेक दैट हॉरिजॉन्टल लाइन जो दोनों कर्व्स को टच करती हुई जाए, ठीक है? तो ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है जी। बताएं फिर पॉसिबल क्या हो सकता है, लोएस्ट पॉसिबल थिंग, एनीवन? लोएस्ट पॉसिबल थिंग यहां पे देखते हैं जी, इफ आई कैन यूज डिफरेंट, ओके सिक्स सिक्स, या वी कैन ट्राई सिक्स। यस सो सिक्स इज माई आंसर। देखें सिक्स यहाँ से गुजर रहा है, एक ये पॉइंट है जहाँ से उसने टच किया और दूसरा ये पॉइंट है। नाउ सिक्स इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू, आई कैन नॉट इंक्लूड फाइव। फाइव में प्रॉब्लम ये होगा कि तीन जगह सोल्यूशन बन सकता है, तो आई नीड टू टेक द नेक्स्ट इंटीजर दैट इज सिक्स। सिक्स में मैंने चेक किया तो दो जगह से टच कर रहा था, तो आई गॉट द टू सोल्यूशन थिंग, वो भी एक्सेप्टेबल। द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू भी आ गई है सिक्स की, इंटीजर है, पॉजिटिव है। And the third thing is they are actually touching the both curves. So y is equals to 6 आएगा, तो k की वैल्यू क्या होगी हमारे पास यहाँ पर, सॉरी वट विल बी माई वैल्यू ऑफ k हेयर, जो ये यहाँ पर k इज इक्वल्स टू बताना है, k इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। दैट्स इट, यू विल गेट वन मार्क। ओके आई होप द थिंग्स आर क्लियर।